करिए हमारा चैनल शुभम स्टडी जी के और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी जी के इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा वीडियो नंबर 16 है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के जो वन वनस्पतियों से रिलेटेड जो हमने थ्योरी सेक्शन कम्प्लीट किया था उसी के आज क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। लगभग 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत पर वनावरण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी जब नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई 1988 में, तो बोला गया था कि देश के कम से कम 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, पर्यावरण क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन जब नई राष्ट्रीय वन नीति जो कि अभी वन रिपोर्ट आई 2019 में, तो उसमें क्या मिला कि 24.56% एरिया में ही क्या था, वनों का आवरण था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई। तो फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय पुरानी जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो सबसे पहले जब राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई, लेकिन जो राष्ट्रीय नई राष्ट्रीय वन नीति है उसको संशोधित करके 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति का क्या किया गया, लागू किया गया 1988 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था लगभग 41.9% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है सबसे ज्यादा, जो कि लगभग हमने देखा था जिस तरह से मैप में था कि लगभग ये जैसे इंडिया का मैप मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है, लगभग इसके आधे से ज्यादा भाग यानी कि ये 41 इतना लगभग एरिया घेरे हुए था, लगभग 41% एरिया जिसके 41.9% भाग कौन से वन थे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा पहला वाला, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, वहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था और यह जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसके जन्मदाता कौन थे, के एम मुंशी थे, ये को हमने वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक हिमालय की वनस्पति है। तो हिमालय की वनस्पति जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर, स्पीशीज। तो हमने देखा था सिल्वर फर, एक सिल्वर फर क्या थी हिमालय की वनस्पति, या स्पूस थी, या महोगनी थी, क्या थी, कोई नहीं थी। इसमें सिर्फ जो महोगनी नामक वृक्ष होता है ये सदाबहारी वन होता है, वृक्ष होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सदाबहारी वन है हिमालय क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा वृक्ष किसके प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है लीसा। जिस लीसा वृक्ष से क्या किया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है, तारपीन के तेल से क्या होता है, तारपीन के कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं, हमने डिस्कस किया था वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं। किस राज्य में नहीं उगते, असम में सिनकोना वृक्ष उगते हैं, छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, जो सिनको आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए कि सिनकोना वृक्ष को हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का सदाबहारी वन है, और अगर भारत की बात करें तो भारत में सदाबहारी वन कहाँ पे था, ये पूर्वोत्तर एरिया में था और ये पश्चिमी घाट वाले एरिया में, इन्हीं दो एरियो में क्या थे, सारा सदाबहार वन पाए जाते थे। तो जो भी राज्य होगा, पूर्वोत्तर राज्य होगा या पश्चिमी घाट के आसपास का राज्य होगा, तो वहीं पे सिनकोना वृक्ष मिलेगा। असम क्या पूर्वोत्तर राज्य, ये तो है भाई, तो इधर पाया जाएगा। छत्तीसगढ़, ये तो बीच में पड़ता नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास ये वाला एरिया है असम छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे तो सदाबहार वन है नहीं थे, तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल भी यहाँ पे पश्चिमी घाट पे हो गया और तब पश्चिम बंगाल तो हो ही गया वहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जब हमको पता नहीं होता उसके बारे में। अगला है, निम्न से किसे जंगल की आग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी पलाश, पलाश जिसे ब्यूटी या मोनोस्फर्मा भी कहते हैं, और ये पलाश क्या होता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी, राजकीय पुष्प भी है पलाश, ठीक है, और इसको ब्यूटी या मोनोस्फर्मा कहते हैं। तो जंगल की आग कैसे कहते हैं, ब्यूटी या मोनोस्फर्मा, ये आरएस में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो सागौन का वृक्ष हमने बात की थी, लगभग भारत के जितने भी सागौन वृक्ष पाए जाते हैं उसका 50% एरिया केले कौन घेरे हुए, मध्य प्रदेश में घेरे हुए। तो सबसे ज्यादा वृक्ष कहाँ पाए गए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था जो फर्न नामक पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, ना तो फूल होते हैं और ना ही क्या होते हैं, फल लगते हैं, ना ही बीज होते हैं, इसीलिए उन पौधों को
समानता चारा कहा जाता है इन पौधों को, लेकिन जो साइंस की भाषा में उनको फर्न कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है भोजपत्र मिलता है, तो भोजपत्र हमने डिस्कस किया था प्राचीन काल में इनमें लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता था भोजपत्रों का, और ये भोजपत्र होते हैं हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में उत्तरी भारत के क्षेत्रों में पाए जाते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने के लिए खैर नामक एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और जो खैर वृक्ष होता है इसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इसका स्थापन कहाँ पे है? देहरादून, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागौन और साल किसके उत्पाद होते हैं? तो सागौन और साल, सागौन वृक्ष और साल वृक्ष क्या होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। सागौन और साल वृक्ष क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप यदि आपने अभी तक लेक्चर पहले वाला नहीं देखा तो उसको आराम से जाके देख लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पट्टी में निम्न में से किस वृक्ष का बाहुल होता है? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पट्टी में किस वृक्ष का बाहुल होता है? शीतोष्ण पट्टी आप जानते हैं क्या होता है, शीत और उष्ण वाले एरिया में किस विस्तार होगा। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था शीतोष्ण क्या होता है। अब आपको पहले अगर आपने ये टर्न पकड़ लिया तो आप तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमने जब आपको अभी हमारे यदि आपने सुबह का लेक्चर हमारे फटाफट जी के नहीं देखा है तो उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी छोटी छोटी बातों को 2-4-5-6 मिनट में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आप जानते होंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, इसके उत्तर में ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 23.5 ठीक, इसे सब इसको कर्क रेखा बोलते हैं, यही 23.5 क्या होती है नीचे होती है, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये आपको नजर आ रहा होगा जिसमें हम पेन खिंचा रहा हूँ, ये वाला एरिया जो होता है इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय। इसके बाद एक रेखा इधर होती है, इसको 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, एक नीचे होती है इसको कहते हैं 66.5 डिग्री साउथ में, इसको कहते हैं आर्कटिक ब्रेक, और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक ब्रेक। ठीक है, इनको कहते हैं, तो ये जो ये वाला क्षेत्र होता है, बाकी यहाँ पे पोल होते हैं और ये इधर भी पोल होता है। ठीक है, तो ये जो वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं क्या, शीत, यानी कि शीत शीत बोलते हैं, शीत शीतोष्ण क्षेत्र, ईशोष्ण नहीं, शीत शीत क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि शीत पेटी बोलते हैं, नीचे भी शीत पेटी होती है, लेकिन जो बीच का एरिया बढ़ गया 23.5-66 के बीच का, ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, दूसरे पेन रुकिए, आप पेन यूज कर ले रहा हूँ दूसरा, इसको येलो को ले लेते हैं। ठीक है, येलो तो दिखाई भी नहीं दे रहा यार, दूसरा चुनते हैं फिर, तो चलिए तो ये वाला ले लेते हैं, ये तो दिखेगा। चलिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये, इसको यानी कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का एरिया, इसको क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, टेम्पर्ड जोन बोलते हैं यहाँ पे, और ऐसे नीचे होता है टेम्पर्ड जोन, जितना ऊपर जैसे ऊपर वैसे नीचे, यानी 23.5 और 66 के बीच का जो एरिया, इसकी को क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड जोन, यानी शीतोष्ण पेटी बोलते हैं। अब देखो, अब भारत को अगर भारत की बात करें तो भारत देखते हैं, ये भारत में 23.5 डिग्री रेखा पास होती है भारत से होकर के, 23.5 डिग्री यानी जिसको कर्क रेखा कहते हैं, पास होती है। अब भाई जो एरिया कर्क रेखा और कर्क रेखा से ऊपर वाला एरिया होगा वहीं पे क्या पाए जाएंगे, शीतोष्ण पेटी पाई जाएगी, वही शीतोष्ण पेटी होगी, इन्हीं को वन हो गया। तो आप देखते हैं, चीड़, देवदार, सिल्वर फर और नीला पाइप। सिल्वर फर वृक्ष हो गया, ये तो शीतोष्ण का बन रही थी, ये तो भारत के नीचे भी आ सकता, ऊपर एक नीला पाइन हो गया देवदार, लेकिन जो देवदार वृक्ष है, हम देखते हैं कि देवदार वृक्ष क्या होता है, हमने डिस्कस किया था जब लेक्चर में, कि जो देवदार नामक वृक्ष है वो है भारतवर्ष के पश्चिमी एरिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर वाली बॉर्डर पे, यहाँ आसपास काफी पाया जाता है। तो यहाँ इसका मतलब कि ये देवदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन था, यदि आप इसको अच्छे से जानते होंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है देखिए 2013 में, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनों के ताजा स्थिति के अनुसार, जो यानी रिपोर्ट जो 2019 में रिपोर्ट आई थी वनों की, उसके अनुसार भारत रिपोर्ट ही कौन जारी करता है ताजी स्थिति के संबंध में रिपोर्ट, तो कौन से जारी करता है, भारतीय वन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट उसको देहरादून में जिसका मुख्यालय है वही क्या करता है, उसकी रिपोर्ट जारी करता है। वन अनुसंधान संस्थान जारी नहीं करता है रिपोर्ट, ये आप याद रखिएगा, यानी कि जो वन अनुसंधान संस्थान वो रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है। और कितने सालों में, हर साल 2 सालों के अंतराल में। देखिए उसी अगला क्वेश्चन उसी रिलेटेड है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
किस वर्षों के अंतराल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता, कितने वर्षों के अंतराल पर, 2 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन रोपण प्रक्रिया क्या होती है। वन रोपण में देखिए वन और रोपण, रोपण से तुरंत पकड़ा गया यानी आरोपित करना, तो और अधिक पेड़ लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वन रोपण। ये अगला देखते हैं देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वृक्षों से ढका हुआ है, तो कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है, लगभग 24.5456% एरिया जो है ये किससे ढका हुआ है, 56% एरिया किससे ढका हुआ है, वनों से ढका हुआ है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे का यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान ने जो वन रिपोर्ट जारी की थी उसमें तो 24.56% पार्ट ढका हुआ है, लेकिन 1988 की वन नीति आई थी उसमें कहा गया था कि भारत के कम 33% एरिया में क्या होना चाहिए, वनों का विस्तार होना चाहिए। इसका मतलब हमारे देश में वनों का विस्तार बहुत कम है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वैसे तो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट डिस्कस की थी उसमें क्या था कि जो और जब सबसे ज्यादा वन थे तो वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में थे, लेकिन अगर हम उसी को किसकी रिपोर्ट देखें प्रसत्ता के आधार पर तो वो मिजोरम में थे। तो अब यह इसमें हम क्या लगाएं, इसमें क्या दिया है कि वन सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश भी दिया ऑप्शन में, मिजोरम भी दिया होती। इसके एक तरीके से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, लेकिन अब ये दोनों ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इनमें सबको नंबर मिल जाएगा करते हैं अधिकतर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है। लेकिन अगर हम इसी को ले लें, अगर हमारा क्वेश्चन ये होता कि सर्वाधिक वन क्षेत्र के आधार पर किस राज्य में, तो हम उसको लगाते हैं आंसर मध्य प्रदेश। अगर कह देता प्रतिशतता के आधार पर तो मिजोरम लगा देते। ठीक है, ऐसे फंस जाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें साधारण अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे तो सबको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल वन के क्षेत्र के दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का शीर्ष क्रम क्या है। तो कुल प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य मध्य प्रदेश में था, इसके बाद क्या था अरुणाचल प्रदेश का एरिया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश था, इसके बाद कौन सा एरिया था, इसके बाद छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता था। ये किसके अनुसार था, ये था उसके किसके क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार, अगर सत्ता के अनुसार पूछता तो कौन सा हो जाता, मिजोरम हो जाता। तो ऑप्शन ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वनों की सर्वाधिक प्रसत्ता है। तो अभी हमने डिस्कस किया किस राज्य में, मिजोरम राज्य में। ठीक है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में वन नीति लाई गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1952 में पहली बार देश में वन नीति लाई गई और इसी को संशोधित करके 1988 में नई वन नीति लागू की गई। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि 1952 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1981 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी होती है। फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था कि नीलगिरी की पहाड़ी जो होती है वो चंदन और यूकेलिप्टस के वृक्ष के लिए बहुत ही फेमस होती है। ठीक है, बहुत ही फेमस है वहाँ पे, तो चंदन हो गया और यूकेलिप्टस, तो चंदन तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। सघन का मतलब कि मतलब बहुत डेंसिटी ज्यादा हो, तो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सघनता पाई जाती है वृक्षों की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है, ऑप्शन ए ओडिशा में, क्योंकि हमने फ्रेंड्स बात की थी किसकी, कि जो सुंदरवन होता है वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा यमुना का डेल्टा भी कहते हैं, इसलिए जो सुंदरी वन का डेल्टा है वो रामसर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा हो गया पंजाब बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ सुंदरी वृक्ष के कारण इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार का सुंदरवन का डेल्टा क्या, मैंग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न राज्यों में से किसे सागौन का वन कहा वन पाया जाता है। तो सागौन का वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो अभी हमने बात की सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे हमने देखा था लगभग 41.9% एरिया पे क्या पाया जाता था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता था। तो ये इस पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं हो सकता, पर्वतीय वन नहीं हो सकता, डेल्टाई वन नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पतझड़ वन को कहते हैं। अगला है देश के उन भागों में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 70% तक आर्द्रता रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था अगर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है
ठीक है, तो वहां पे कौन से पर्ण पाएंगे? सदाबहार वन, आद्र सदाबहार वन पाए जाएंगे। यदि वर्षा का प्रतिशत 100 से 200 सेंटीमीटर के 200 सेंटीमीटर के बीच में है तो वहां पे कौन प्रकार के वन पाए जाएंगे? पर्णपाती वनों को विस्तार पाया जाएगा। और यदि 70 से क्या है 100 के बीच में है तो क्या पाया जाएगा? उष्ण पर्णपाती वनों को विस्तार पाया जाएगा। और यदि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है वहां पे क्या पाया जाएगा? वहां पे मरुस्थली वनों का विस्तार पाया जाएगा। इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो कौन सा हो जाएगा? उष्ण सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाएगा। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अभी हमने डिस्कस किया 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? उष्णाद सदाबहार वन या उष्णाद पतझड़ वन, कौन से वन पाए जाएंगे फ्रेंड्स? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तभी बताया मैंने मरुस्थली वन। अगला क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, दलदली या ज्वार भाटा वनों में पाए जाने वालों को मैंग्रोव वनों की संज्ञा दी जाती है। जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे जहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, वो जो दलदली वृक्ष जो मैंग्रोव वन होते हैं वो क्या होते हैं? चक्रवातों से क्या करते हैं? उसको बचाते हैं स्टेट, जो भी स्टेट पड़ता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक विस्तार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि जो अगर ये दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है जो कि कर्नाटक केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यहाँ पे चंदन और यूकेलिप्टस के वन पाए जाते हैं। तो चंदन की उपलब्धता कहाँ पे होती है? यूकेलिप्टस, सॉरी, चंदन और यूकेलिप्टस कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। और यहाँ पे 500 से ज्यादा क्या पाई जाती है? फल 500 प्लस फूलों की प्रजातियां पाई जाती है कहाँ पे? उत्तराखंड में, इसीलिए इसको फूलों की घाटी कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? नेशनल पार्क है। अगला, सांध घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सांध घाटी कहाँ पे? केरल में, जिसको हमने डिस्कस किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रकार होता है। तो पश्चिमी घाट पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं कुछ प्रकार की होती हैं। देखिए, ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये भारत के थोड़ा सा मैं पूर्वी वाला बना लें, हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पश्चिमी घाट का एरिया हो गया और ये उत्तरी, ये उत्तर पूर्वी एरिया हो गया, यहाँ पे किस प्रकार के वन अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उन वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, यानी कि सदाबहार मतलब सदा हरित वन भी कहते हैं इनको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णाद कटबंधी सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किस पर पाए जाएंगे उष्ण कटबंधी सदाबहार वन? नीलगिरी की पहाड़ी, अरावलिक राजमहल और शिवालिक श्रेणी। तो यदि आपने लेक्चर हमारे जो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था इंडियन ज्योग्राफी, यदि आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये इन पहाड़ियों की स्थिति आपको पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। कि जैसे, फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि जैसे कि ये मैप ले लेते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का, ठीक है, उसी मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैप मान लीजिए, तो नीलगिरी की पहाड़ी तो अभी मैंने डिस्कस किया, ये वाले बॉर्डर पे आ गई, ये नीलगिरी हो गई, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, नीलगिरी पहाड़ी हो गई। अरावली की पहाड़ी कहाँ पे? ये राजस्थान वाले में एरिया में, यहाँ पे हो गई। राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे हो गई वेस्ट बंगाल के पास। और जो शिवालिक श्रेणी है ये तो ऊपर की श्रेणी हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? ये हमने देख सकते हैं कि पश्चिम घाट वाले एरिया में लगभग पाया जाता है और ये वाले एरिया में उत्तर पूर्वी एरिया में बनते हैं। अब ये पश्चिमी घाट के नेक्स्ट कौन सा है? यही है नीलगिरी की पहाड़ी। तो कहाँ पे पाए जाएंगे? नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बताइए कितने अच्छे क्वेश्चन है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डिडलाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता का उसे सुंदरवन कहा जाता है? तो अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम उसको, कौन से वृक्ष है? सुंदरी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? असम, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो केरल सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? चंदन की लकड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत, क्योंकि वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन वन प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय भी होना चाहिए, अल्पाइन वन। तो अल्पाइन वन हम देखते हैं एक तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अगर वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो भी वहाँ पे भी पाए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय प्रदेश वाला एरिया है, वहीं पे तो पाए जाएंगे अल्पाइन वन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होते हैं, ये भारत में क्या होते हैं? सबसे ज्यादा व्यावसायिक वन है, और इन्हीं से क्या होता है? अधिकतर फर्नीचरों का निर्माण इन्हीं से होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सागौन की लकड़ी अकड़ी हो गई वगैरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनमें से तेंदू के पत्ते का मुख्य उत्पादक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और इसका उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, और तेंदू के पत्ते से क्या होता है? बीड़ी का निर्माण किया जाता है। किसका? बीड़ी का।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन या सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का सम्यक दर्शन है, संयुग्मन है। तो सब प्रकार के वन हमने डिस्कस किया था कि भारत के जो ये वाला एरिया जिसको क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें भारत में पाए जाने वाले हर प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए यूपीपीसीएस में यूपीएससी में पूछा गया 2015 में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन होते हैं। तो चक्रवातों को हमने डिस्कस किया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले डेल्टाई वन जिनको मैंग्रोव वनों की संज्ञा दी जाती है, ये क्या होते हैं कि जो समुद्र से उठे हुए चक्रवातों को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में वो जनधन की हानि कम होती है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, जिसको क्या कहते हैं मैंग्रोव वनों को सुंदरवन जो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में के वन को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा पर सुंदर वन के नाम से, ये तो सरल क्वेश्चन हो। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स हमको देखना है नदी डेल्टा, तो पहले ये बात ये पता होना चाहिए कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। नर्मदा क्या है, अरब सागर में गिरती है, ये तो डेल्टा बनाएगी नहीं। इसका मतलब जिस ऑप्शन में ए वो तो होगा नहीं, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में। अगला है स्वर्णरेखा नदी बनाती है भाई, ये भी कृष्णा नदी और गंगा नदी ये सब डेल्टा बनाती है। गंगा नदी जो संसार का सबसे बड़ा सुंदर वन का डेल्टा बनाती है, तीनों नदियां क्या होती है डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैंग्रोव वन तीनों के तट पे पाए जाएंगे भाई, इसका मतलब तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब डेल्टा के क्योंकि मैंग्रोव वन डेल्टा ही क्षेत्र में तो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट वाले एरिया में मिलेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे ये वाले एरिया में सदाबहार वन मिलेंगे। तो जो जो राज्य यहाँ पड़ेंगे वही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तो भाई पड़ता है सबसे ज्यादा, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आके इधर पड़ेगा, यहाँ पे तो सदाबहार वन है ही नहीं। तो ऑप्शन बी तो दो तो गलत हो जाएगा, मिजोरम भी वहीं पे बगल में है अरुणाचल प्रदेश के, तो वहाँ पे भी हो जाएगा भाई। तो इसका दो तीन जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे, पेड़ों की कटाई से लेकर चिपको आंदोलन था, ठीक है। इसको सब यहाँ पर शुरू किया गया तो उत्तराखंड में शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 प्लस क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए और जो बन सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।